लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से लगातार वो बीमार चल रहे थे और आज आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। भाभड़ा दो बार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे और आपको बता दें कि एक बार वो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके थे। पिछले कई दिनों से बीमार थे, लगातार इलाज चल रहा था और आज वो जंग हार चुके हैं। अपनी जिंदगी और मौत के बीच लगातार वो जूझ रहे थे और आज उनका निधन हो गया है। पूरे परिवार में शोक का लहर है और इसके साथ साथ तमाम लोग इस वक्त उनके घर पहुंच रहे हैं और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का निधन हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुल 96 साल उनकी उम्र जब उन्होंने आखिरी सांस ली और आज उनका निधन हो गया। परिवार में मातम पसरा हुआ इस वक्त। बताया जा रहा है कि कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और कई दिनों से उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया। तो दो बार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते लड़ते आज नहीं रहे हमारे बीच हरिशंकर भाभड़ा। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए और प्रदेश के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हरिशंकर भाभड़ा का नाम एक आदर्श रूप में लिया जाता है, क्योंकि दो बार वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, एक बार उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला, तीन बार वो विधानसभा के सदस्य रहे, एक बार राज्यसभा के लिए वो निर्वाचित हुए 1978 से लेकर 1984 तक। चूरू की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार 8वीं, 9वीं और 10वीं, यानी ये तीन जो विधानसभा का कार्यकाल था उसमें वो वहां से निर्वाचित हुए, अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को वहां से हराते आए। मैं आपको बता दूं कि 1928 में हरिशंकर भाभड़ा का जन्म डीडवाना में हुआ था, नागौर जिले में हुआ था। उन्होंने स्नातक की बीए किया, लॉ कॉलेज नागपुर से किया, एलएलबी की और व्यवसाय शिक्षा में उन्होंने अपनी डिग्री ली, लेकिन वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 96 ईयर ओल्ड, क्योंकि वृद्ध होने की वजह से बीमारी का घर एक तरह से उनका शरीर हो गया था और लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे। बीती रात एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद आज तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली। कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी शक्ति राजस्थान के तौर पर देखी जा सकती है हरिशंकर भाभड़ा के निधन को। और एक ये भी है कि उस समय के बीजेपी के दौर के नेता थे, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हरिशंकर भाभड़ा विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। तो एक कह सकते हैं कि हरिशंकर भाभड़ा के निधन के बाद एक राजनीति का जो दौर था बड़ा, वो अब खत्म हो गया है। जी बिल्कुल सुधीर, राजनीति के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।